हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी ने अब नीट 2024 की प्रिपरेशन पूरी तैयारी के साथ में पूरे जोर शोर से शुरू कर दी होगी और अब आप लोग पूरा जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे कि ताकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये नीट एग्जाम क्लियर हो जाए जो आपका नीट 2024 आने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक नए तरह की वीडियोज को शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियोज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आपके नीट एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ और उन टॉपिक्स को पूरा आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। साथ ही साथ में उनसे किस किस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो कंसीडर कर रही हूँ क्वेश्चंस, वो नीट 2012 से लेकर के नीट 2023 तक आपके उस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको इसमें शो करूंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो बेटा, वो है आपका जीन गन। तो मैं आज आप लोगों को जीन गन का प्रोसीजर भी समझाऊंगी, साथ ही साथ में मैं उससे किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे ये भी आपको मैं बताऊंगी, ताकि आपको ये पता चल जाए किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हीं पॉइंट्स पर स्मार्टली वर्क करके उनको प्रिपेयर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जीन गन मेथड। जीन गन मेथड को सिर्फ एक ही नाम से नहीं जाना जाता है, सबसे पहली चीज़ है, इसको अलग अलग नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट नेम है दैट इज़ द जीन गन मेथड। इसके अलावा इसको पूछा जाता है शॉर्ट गन मेथड के नेम से भी पूछा जाता है, एंड एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज़ द बायलिस्टिक गन मेथड। तो बायलिस्टिक पे ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने देखा है कि पूछे गए हैं, तो आपको जीन गन भी पता होना चाहिए, शॉर्ट गन भी पता होना चाहिए एंड बायलिस्टिक मेथड भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों एक ही हैं। ये जो मेथड है बेटा आपका, ये बेसिकली आपका वेक्टरलेस मेथड होता है। वेक्टरलेस मेथड से यहाँ पे क्या मतलब है, वेक्टरलेस मतलब हम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्लाज्मिड यूज नहीं कर रहे हैं अपने डिजायर्ड जीन को प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के लिए, और ये स्पेशली एंड स्पेशली प्लांट्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ पार्टिकल्स गन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को बनाया गया है गोल्ड या फिर टंगस्टन से। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड एंड टंगस्टन, इतनी कॉस्टली मटेरियल हमने क्यों यूज़ किया इन पार्टिकल्स को बनाने के लिए, हम नॉर्मली किसी और से भी यूज़ कर सकते थे। तो ये बेसिकली इनका नेचर जो होता है वो इनर्ट टाइप का नेचर होता है। इनर्ट टाइप का नेचर मतलब कि ये सेल के अंदर होने वाली किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन को अल्टर नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। इन पार्टिकल्स को हम कोट करते हैं अपने डिजायर्ड डीएनए से। सो हमारा जो भी डिजायर्ड जीन का पार्टिकल है, यानी कि डीएनए का पार्टिकल है, उससे हम डिजायर डीएनए से इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने का मेथड जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल पार्टिकल्स को सिंपल हमने पेट्री प्लेट में उसमें डिप कराया एंड देन आफ्टर हमने उसको गन में लोड कर दिया। देन आफ्टर फिर क्या होगा, हम उसको प्रेशराइज्ड एयर के साथ से गैस चैम्बर से उन पेलेट्स को, उन बुलेट्स को हम बम्बार्डमेंट कराते हैं अपनी प्लांट सेल में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो पार्टिकल्स तो हमारे गोल्डन टंगस्टन के बने हैं, लेकिन उनका साइज क्या होता है। तो उनका साइज जो है वो एग्जैक्ट साइज तो होता है आपका 1.2 माइक्रोमीटर, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस में आपको वो रेंज दे देते हैं। तो अगर आपको 1 से 2 माइक्रोमीटर की रेंज मिलती है तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो साइज हो गया। साइज के बाद में आता है कि इन पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है। तो इन पार्टिकल्स की जो स्पीड दी गई है वो एग्जैक्ट स्पीड दी गई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, दैट इज द 1400 फिट पर सेकेंड। अब आप सोचोगे मीटर पर सेकेंड नहीं है, किलोमीटर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे फिट पर सेकेंड है। तो ये इसका स्पेसिफिक यूनिट दी गई है कि 1400 फिट पर सेकेंड, और ये एग्जैक्ट स्पीड है, यही स्पीड होनी चाहिए। इस स्पीड को फिक्स किया जाता है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो वो सेल से होते हुए बाहर चले जाएंगे, और अगर इससे कम स्पीड होगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स उस पर सही तरीके से बैंग नहीं कर पाएंगे और रीबाउंड भी हो सकते हैं। तो हमें अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस स्पीड को फिक्स 1400 ही रखना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी कंप्लीट जीन गन या फिर बैलिस्टिक मेथड के बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ 2012 से कब कब इसमें क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया था फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं। ऑब्वियसली आपने अभी अभी पढ़ा है गोल्ड और टंगस्टन से, आपको बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है बायलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर, एम्स 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो किस लिए इसका यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है डिसआर्मिंग पैथोजन फैक्टर्स, क्या डिसआर्मिंग करने के लिए किया जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं किया जाता है।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, क्या प्लांट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? ट्रांसजेनिक बनाने से है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन हो सकता है, बट पहले हम बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग विद वेक्टर्स, ज्वाइनिंग कराने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेस, तो ये उसकी तरह वर्क नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो यहाँ पे कहीं से भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकेंड ऑप्शन। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीट 2023 में, इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स जो हमारी बुलेट्स हैं वो बनी होती है किस मेटल से? तो आपने अभी अभी पढ़ा था, आपका पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, तो टंगस्टन और गोल्ड की। तो आपने नोटिस किया होगा जो यहाँ पे पूछा जा रहा है साइज पे नहीं, स्पीड पे भी नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन वो ज्यादातर फोकस कर रहे हैं वो आपके कि वो पार्टिकल्स किस से बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आपको दिख गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ने जरूर हेल्प की होगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून विद मी, बाय बाय एवरीवन।